बड़ी खबर आपको बता रहे हैं छत्तीसगढ़ से, जहां छत्तीसगढ़ में आज पीएससी की प्रारंभिक परीक्षा होगी। दो पालियों में प्रदेश के किस्मत होगी, जिसमें युवा आजमाएंगे पहली पाली की परीक्षा, सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी, और दूसरी पाली की परीक्षा 3 से शाम 6 बजे तक होगी। और 16 जिलों में 268 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। राजधानी रायपुर में 57 परीक्षा केंद्रों में 25,210 उम्मीदवार होंगे शामिल। 15 डिप्टी कलेक्टर और 30 डीएसपी सहित 242 पदों के लिए परीक्षा की जा रही है। तो आज 25,000 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे, 242 पदों के लिए यह परीक्षा की जा रही है। दो पालियों में परीक्षा होगी पीएससी की, जिसमें प्रारंभिक परीक्षा दो पालों में रखी गई है, जिसका समय एक तो 3 से 6 तक का है और दूसरा उसके पहले का है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हेमंत शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए। हेमंत, जैसे कि पीएससी की परीक्षा आज होने जा रही है, परीक्षा को लेकर क्या इंतजाम पहले से किए जा चुके हैं? देखिए, पीएससी की प्रारंभिक परीक्षा आज होने जा रही है और इसके लिए प्रदेश भर के 16 जिलों में 268 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और 1 लाख से ज्यादा जो युवा हैं वो इस परीक्षा में किस्मत आजमाएंगे। राजधानी रायपुर की बात की जाए तो राजधानी रायपुर में लगभग 56 से 57 जो परीक्षा केंद्र हैं वो बनाए गए हैं और 25,000 से ज्यादा जो परीक्षार्थी हैं, जो उम्मीदवार हैं, वो राजधानी में परीक्षा देंगे। पूरी तरीके से तैयारी पहले ही जो व्यावसायिक, माफ करिएगा, जो आयोग मंडल है उसने कर ली गई थी और इसके लिए प्रवेश पत्र पहले ही जारी कर दिए गए थे। 1 लाख से ज्यादा उम्मीदवार इसमें हैं और जो पीएससी की परीक्षा है वो दो पालियों में आयोजित की जा रही है। पहली पाली की परीक्षा की बात की जाए तो सुबह 10 बजे से 12 बजे तक और दूसरी पाली की जो परीक्षा है वो 3 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। यानी जो पूरी पीएससी की प्रारंभिक परीक्षा है वो यहाँ पर दो पालियों में होगी। और मेंस परीक्षा की बात की जाए तो ये प्रारंभिक परीक्षा है पीएससी का, उसके बाद जून के आसपास जो पीएससी की मेंस की परीक्षा है वो आयोजित की जाएगी। तो ये जो पूरी परीक्षा है वो प्रक्रिया आज संपन्न हो जाएगी। इसके बाद जो मॉडल आंसर है वो कुछ दिन बाद फिर इसके जारी कर दिए जाएंगे। जी, और जैसा कि आपने जिक्र किया कि दो पालियों में यहाँ वक्त रखा गया परीक्षा का, लगभग कितने जिलों से जो परीक्षार्थी हैं वो इस परीक्षा में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे, प्रशासन की तरफ से इंतजाम क्या किए गए? देखिए, एहतियात के तौर पर परीक्षा केंद्रों में जो सुरक्षा कर्मी हैं वो यहाँ पर लगाए जाएंगे, क्योंकि काफी ये गंभीर मसला होता है और काफी बड़ी परीक्षा इसे मानी जाती है। पूरा जो भविष्य है वो जो युवाओं के दांव में लगा होता है, तो सुरक्षा के लिहाज से वहाँ पर इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा प्रवेश पत्र को छोड़ किसी भी प्रकार की वस्तु परीक्षा केंद्र में नहीं ले जाई जाएगी। पहले ही पूरी तरीके से जारी दिशा निर्देश जारी कर दिया गया था और परीक्षार्थियों को साफ निर्देश दिया गया है कि वो पेन और प्रवेश पत्र के अलावा कोई भी वस्तु परीक्षा केंद्र में लेकर ना आए, क्योंकि किसी भी प्रकार की जो चीजें हैं वो परीक्षा केंद्रों में अलाउ नहीं है। तो एहतियात के तौर पर पहले ही दिशा निर्देश पीएससी की ओर से जारी कर दिए गए थे, क्योंकि ये परीक्षा काफी एक तरीके से देखा जाए तो सेंसिटिव परीक्षा होती है और इसमें कड़ी मेहनत करके युवा परीक्षा दिलवाते हैं। दो दो साल, तीन तीन साल तक कोचिंग जो उम्मीदवार हैं वो करते हैं, उसके बाद इस परीक्षा में शामिल होते हैं। तो एहतियात के तौर पर तमाम चीजें पहले ही प्रशासन द्वारा यहाँ पर की गई है। इसके अलावा राजधानी में जो परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं उसमें भी जो तमाम वहाँ पर जो टीचर्स रहेंगे जो परीक्षा ड्यूटी में, उनको भी, उनके लिए भी दिशा निर्देश पहले ही जारी कर दिया गया था। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए हेमंत। वही छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल